आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्र्यन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्यवार्ता प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता नरेन्द्रमोदिना भारतस्य जीविंशति संघटनस्य अध्यक्षताया विषये सर्वदलीय उपवेशनस्य ह्य अध्यक्षता विहिता भारतदेश पप्रथमतया ब्रिटेन नागरिकेभ्य ई वीजा सौविध्यं पुनः प्रारब्ध् सुसज्जो वर्तते सर्वकारेणा संसद शीतकालीन सत्राय अद्य सर्वदलीय उपवेशनं करिष्यते अपि च फीफा इति पादकन्द्क विश्व चषक ಹ್ಯ ಬ್ರಾಜೀಲ ದಲಕೋರಿಯ ಚಾರಿ ಶೂನ್ಯ ಅಂಕ ಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತ ಜೀವಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೀಯ ಉಪವೇನಿಸ್ತಾ प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारतस्य जीविंशति अध्यक्षता सम्पूर्णदेशस्य अध्यक्षता अस्ति अयं समय भारतस्य बलं दर्शयित् समुचित अवसर अस्ति तेन पुन कथितं यत् अद्य भारतं प्रति वैश्विक जिज्ञासा आकर्षणं चास्ति य भारतस्य जीविंशति अध्यक्षताया क्षमतां संवर्धयति जीविंशत्या संघटनस्य विभिन्नष् कार्यक्रमष् सवै नेतृभ सहायता आमंत्रिता अस्न्वसरे विन्ना राज्य जी विशेषताया स्वीयां अंतरदृष्टि प्रस प्रस्ताव येष् पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे ममता बनर्जी नवीन पटनायक अरविंद च चेता नेता सम्मिता आसन्न गुरातगणम् ग्जरातराज्ये द्वितीये अन्तिमे च चरणे प्रायश षष्टि प्रतिशतं यावत् मतदानं सम्पन्नम् निर्वा, निर्वाचनायोगानुसारं काश्चन घटना विहाय मतदानमिदं शान्तिपूर्ण दोषरहितं च सञ्जातम् मतगणना गुरूवासरे भविष्यति सर्वेऽपि परिणामाः प्रतीक्षमाणा सन्ति मतगणना सर्वकारेण संसद सत्राय अद्य सर्वदलीय उपवेशनं करिष्यते उपवेशने अस्मिन् सर्वकारेण सदनद्वयोः सुचारु संचालनार्थं सर्वाणि राजनैतिक दलानि अभ्यर्थ्यते संसदः शीतकालीन सत्रं डिसेंबर मासस्य सप्तम दिनांकादारभ्य 130 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिना रानील विक्रमसिङ्घे इत्यनेन द्वीपराष्ट्रे श्वेतक्रान्तेः अनुकरणाय भारतीय सहाय्यं याचितम् राष्ट्रीय दुग्धोत्पादन विकास बोर्ड इत्यनेन अमूल इतिचा दुग्ध समूह दुग्धोत्दन द्विगुणित भारतस्य सन्निकट सन्नीकृिय प्रौद्योगिकी सहायता प्रदास्यते श्रीमती विक्रम सिंघ्तमी नियुक्ता स्थनीय दुग्धोत्दन संवर्धयत् लघ् मध्यम दीर्घ कालिक का योजना प्रति कार्य सम्दिष्य कोविड संक्रमण से प्रकोपान्तर भारत देश प्रथमतया ब्रिटेन नागरिक ई वीजा सौविध्य पुनः प्रारब्ध सुसज्जो इत्यत्र भारत विक्रम दोरईस्वामी प्राज्ञापयत इंसे ब्रिट्री नगरीके शी प्रारपे अ दिनाकोषण शीघ्रमेव भविष्यति अग्रे यत अनेन सौविध्य यूके देशीया जना भारतदेशे सर्वत्रापि सारल्येन यात्रां विधास्यन्ति फीफा इति पादकन्द्क विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां ह्य ब्राजील दलेन दक्षिण कोरिया दलं चत्वारि शून्यम् इत्यनेनांकेन पराजित्य प्राग्पान्त्यचक्रे समाविष्टम्